अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ऑन किलिंग अ ट्री प्रीवियस लेक्चर में इसके तीन क्वेश्चंस किए हैं। नाउ हमारा जो आज से जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, इट इज पेज नंबर 72 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द पॉइंट सेज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, व्हाट डज इट सिग्निफाई। क्वेश्चन नंबर 4 में नो का इस्तेमाल करता है, जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाते टाइम भी आपको बताया है, वो नो क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, नो मीन्स दैट ट्री विल नॉट डाई बाय कटिंग और चॉपिंग द ट्रंक। नो पॉइंट इसलिए इस्तेमाल करता है कि आप जितनी भी इसकी कटिंग करेंगे, जितनी भी इसकी चॉपिंग करेंगे, ये ट्री जो है ये किल होने वाला नहीं है। ये इस तरह से इसकी कटिंग नहीं हो जाएगी जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो आगे वो सजेस्ट कर रहा है कि किस तरह से करना है, इसीलिए यही रीज़न है कि पॉइंट नो का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हेयर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डज द पॉइंट मीन बाय द अर्थ केव। अर्थ केव का एक वर्ड यूज हुआ है। पॉइंट के कहने का मतलब क्या है? अर्थ केव रेफर्स टू द पिट इन द अर्थ वायर द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड इट फर्मली टू द अर्थ। अर्थ के उस पिट को बोलते हैं जो अर्थ में होता है, जहाँ पे ये रूट्स जो होते हैं जो अर्थ में फिक्स होते हैं, तो वहाँ पे एक फिट जैसा उस स्पेस बन जाती है, उसमें ट्री रूट्स जो होते हैं वो फर्मली बाइंड होते हैं किसके साथ? अर्थ के साथ, उसको बोलते हैं अर्थ के। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कैन किल अ ट्री। मतलब पॉइंट के कहने के का मतलब क्या है कि जो उसने सजेस्ट किया है कि किस तरह से ट्री फाइनली मर जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी, तो किस तरह से हो जाएगा? द ट्री डाइज व्हेन इट इज अप्रूटेड, व्हेन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द अर्थ, इट वेदर्स हार्डनेस ट्विस्ट्स एंड फाइनली डाइज। यानी कि ट्री जब इसको अप्रूट किया जाएगा, जब उसको पूरी तरह से अर्थ के साथ डिटैच किया जाएगा, उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली वो इट वेदर्स मीन्स इट बिकम्स वीक, हार्डनेस ट्विस्ट्स एंड फाइनली डाइज। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू फाइंड द स्टाइल एम्प्लॉयड बाय द पॉइंट इन द पोएम। रीड द पोएम वंस अगेन। सो आप पोएम को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से किस स्टाइल का इस्तेमाल किया है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट ने जस्ट अपने व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस किए हैं इन ए नरेटिव मैनर, क्योंकि उसने ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ऑल्दो ही यूज्ड सम राइमिंग वर्ड्स लाइक एब्सॉर्बिंग, कुछ वर्ड्स आप पॉइंट को फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वो वर्ड्स, लेकिन उसने यहाँ पे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है इन नरेटिव वे। सो उसने कुछ कोई राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं की, तो उसने ही वांट्स टू हाईलाइट द ब्रूटल वर्क डन बाय मैन। एक्चुअली वो ये जो है ना वायलेंस जो आदमी हमारी तरफ से हो रही है, उसको वो इसमें एक्सप्रेस करना है कर रहे हैं, और दैट टू इन अ नैरेटिव वे। द पॉइंट जस्ट एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑफ किलिंग अ ट्री इन अ नैरेटिव मैनर, ही डिडंट यूज राइमिंग वर्ड्स सो मैनी इन दिस पोएम। तो मैंने इतना इसको शॉर्ट ही किया। तो इस वे हमारे क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो गए हैं। कल हम इसके उसका जो डिस्कशन है वो तो आप खुद ही करेंगे, लेकिन देखेंगे इसमें अगर कुछ पोइटिक डिवाइसेस होंगे तो हम करेंगे इंशाल्लाह।